बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। वेलकम कर रहे थे ना अपने चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हैप्पी रहो। आपने हमारी फुल वीडियो देखनी है और एंड तक वॉच करनी है। आज जो हम रेसिपी बनाने लगे हैं वो है मीठी सेवियाँ। कुछ लोग इसे पोटे वाली सेवियाँ भी कहते हैं, ये देखें तो कुछ लोग इसे पंजाबी सेवियाँ भी कहते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं, इतनी मज़े की बनती हैं। नमकीन भी आप बना सकते हैं तो मीठी भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनती हैं। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी है, इस तरह की होती हैं। ये देखिए कितनी कलरफुल सी है ना, बहुत ही प्यारी। जितनी देखने में से मज़ेदार लग रही है उतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसके लिए हमें मैंने लिए इधर गिरी जो मैंने कद्दूकश कर ली है, बादाम है जो भी मैंने बारीक बारीक क्रश कर लिए हैं, सोगी है और चीनी है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले घी डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा जला लेते हैं। अब सेवियां डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके इसको भून लेते हैं। तकरीबन इतना भूनेंगे जब ब्राउन ब्राउन से कलर की हो जाएंगे ना, फिर इसमें पानी डालेंगे। तो इधर मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखें कोई चीज़ नहीं इसमें मैंने डाली। अब सेवियाँ भून लेते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही यमी बनती है। आप लोग भी ज़रूर बनाकर ट्राई करना, इतनी मज़े की बनती है, बहुत ही प्यारी होती है। बिल्कुल अलग अलग सी बनती है, जैसे चावल नहीं अलग अलग से बनते, ऐसे ही ये बनती है सेवियाँ, बहुत ही मज़े की होती हैं ये। ये देखें सेवियों को मैंने भून लिया है। ये देखें बिल्कुल हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है और इतनी प्यारी इनकी खुशबू भी आने लग गई है कि सेवियाँ भून रही हैं ना। तो अब इसके अंदर पानी डाल देते हैं। ये देखें मैंने इतना पानी डाला है, थोड़ा सा और डाल देते हैं इसके अंदर। बस इतना ही पानी डालना है। अब साथ ही सोगी डाल देते हैं और थोड़ी सी गिरी। और थोड़े से बादाम, बाकी गार्निश के लिए बचा के रख लेते हैं। अब साथ ही चीनी डाल देते हैं। ये थोड़ी सी मैंने बचा ली है, ये देख ली इतनी सी, चेक करूंगी अगर कम होगी तो और डाल दूंगी। आप भी इसी तरीके से बनाना, अगर किसी के पास ये हाथ की बनी हुई सेवियां हो तो इसी तरीके से बनाना, बहुत ही अच्छी बनती है और अलग अलग सी बनती है बिल्कुल। नहीं मीठा थोड़ा सा कम ही था, मैं सारा ही डाल देती हूँ, बाकी जो मैंने बचाया था वो भी मैंने डाल दिया। अब 2 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ क्योंकि ये पानी खुश्क हो जाए। ये देखे पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अभी इसको इनको दम पे रख देते हैं सेवियों को। चले जी, मैंने दम पे रख दी है। अब 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह की बनी है सेवियां। 10 मिनट हो गए हैं दम पे रखे हुए। चलिए ढकना उठा के देखते हैं कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें
कितनी अलग अलग सी बनी है ये, नहीं बिल्कुल चावलों की तरह बनी है ये देखिए, अलग अलग से बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि बहुत ही मज़े की बनती है ये, देखिए नीचे तक सारी अलग अलग सी बनी हुई है। चलिए मैं अब आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार कलरफुल पंजाबी सेवियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं, उतनी जितनी मज़े की लग रही हैं उतनी भी खाने में भी मज़ेदार बहुत बनी हुई हैं। ये देख लें इसकी फाइनल लुक, ये देखें कितनी प्यारी बनी हुई हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं जा चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।